हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ट्रिक विद निशू। गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ, ठीक है। और आज हम बात करेंगे वीडियो में, मतलब ऐसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट कौन सी है, इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो गाइस, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, आपने मैथ्स सब्जेक्ट का तो नाम सुना ही होगा। या रियली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और काफ़ी ज़्यादा डर लगता है ना, या पसंद ही नहीं करते हैं सब सुनाना। मैंने देखा है, ये रियली है, राइट। सो गाइस, एनीवेज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगती है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं अच्छी लगती है। तो खैर, हम यहाँ पे इस वीडियो में ये नहीं बता रहे कि कितने स्टूडेंट्स को मैथ अच्छी लगती है, कितने स्टूडेंट्स को मैथ अच्छी नहीं लगती है। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि जिनको मैथ समझ नहीं आती है, ठीक है, या सम्स जो भी होते हैं वो समझ नहीं आते, तो उन्हें कैसे, मतलब क्या टिप्स फॉलो करना है जिससे कि उनकी मैथ्स जो है वो बेटर देन बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आज हम यहाँ पे टिप्स बताने वाले हैं। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैथ्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस। और यू नो गाइस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना मैथ्स के लिए, उतना ही कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ्स आप प्रैक्टिस करते जाओ। मैथ्स को आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना गाइज, आपकी मैथ्स यानी सम्स बनाने की जो स्पीड होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। मैंने ये देखा है। तो अगर मैथ्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो गाइज, उतनी अच्छी होती है और उतनी जल्दी आपको समझ में आती है। आपने देखा होगा, एक सम्स है, ठीक है, आप बना रहे ना, अब नहीं बनती है ना, तो आपको लगे बन नहीं रही है, फिर आप उसे मतलब यूँ जाने देते हैं, फिर आप दूसरे सम में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि उस मैथ्स को, मुझे उस सम्स को मतलब बनानी है, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपने देखा होगा प्रैक्टिस करते करते आपकी जो आंसर है वो आ जाती है। फिर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ये मेरी आंसर आ गई। ऐसे हमारे साथ भी हुआ है, मैं ये एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊँ। तो इस तरह से आप मैथ की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो गाइस, आपकी मैथ्स उतनी अच्छे से समझ में आती है और बहुत दिनों तक आपको वो सम्स जो है वो याद रहती है। आपके माइंड में वो सम्स सेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस किए हो, उसे बार बार आपने प्रैक्टिस किया है। आपने देखा होगा, जैसे आप, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, आप अपना फ़ोन का नंबर, आपने देखा होगा दूसरे के फ़ोन का नंबर आपको याद नहीं होता, लेकिन हमें खुद की मोबाइल नंबर याद हो जाती है। हमें हमसे कोई भी पूछता है तो हम लोग फटाक से कह देते। क्यों? क्योंकि हमें उस नंबर की प्रैक्टिस हो जाती है। आपने देखा होगा वो जो 10 नंबर होती है फ़ोन नंबर की हमारी, वो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। कैसे प्रैक्टिस हो जाती है? मान लीजिए आपके दोस्त ने कहा अपना नंबर देना, तो आप उसे नंबर देते हैं, ठीक है, आप उसे नंबर देते हैं, तो आप उसे बोल रहे हैं, फिर दूसरे किसी को पर्सन को आपने दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया, ऐसे ही करते करते कितने सारे पर्सनस को आपने अपने फ़ोन का नंबर दिया। तो वो आप जो बार बार एक ही नंबर को आप रिपीट कर रहे हैं ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, जिससे कि आपकी माइंड में सेट हो गई है। तो कोई भी आपसे फ़ोन नंबर मांगता है, फटाक से दे देते हैं, हाँ ये है, लिख लो या ले लो, राइट। तो इस तरह से ही आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मैथ की प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो वो माइंड में सेट हो जाती है। तो मैथ समझने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, गुड। तो इस तरह से अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करते गए तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी हो। आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स दिए हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।